जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से तेज रफ्तार गाड़ियों का जो कहर है वो आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैं अभी बिल्कुल बहुफोर्ट पुलिस स्टेशन के पास हूं और यहां पे एक एक्सीडेंट का मामला जो है वो सामने आया है। और सबसे पहले मैं आपको विजुअल से दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से जो है संतुलन बिगड़ने से ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए, और विजुअल से मैं आपको पहले गाड़ी के विजुअल्स दिखा दूं, ताकि जिस तरह से मैं उसका टूटे हुए जिस तरह से गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हैं, मैं आपको वो स्पेयर पार्ट्स भी दिखाना चाहूंगी। उसके बाद में गाड़ी का आपको नंबर भी दिखाते हैं। ये गाड़ी के विजुअल्स हैं, गाड़ी कितनी स्पीड से जो है यहाँ पर लगी होगी। और आप अंदर भी देखिए कि कांच का टूटना जो है वो अंदर तक है, जो यहाँ पर गाड़ी में टूटा हुआ कांच है उसके जो शीशे हैं वो अंदर तक है। मैं आपको पीछे भी बताना चाहूँगी, गाड़ी बहुत जोर से हिट हुई है। अगर हम गाड़ी के ऊपर की आपको गति बता मतलब अगर मैं आपको गाड़ी के ऊपर की रूफ टॉप की मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो ये किस तरह से जो है यहाँ पर है। ये मिरर है, मिरर की आप हालत देखिए किस तरह से मिरर जो है वो डैमेज हुआ है। और उसी के साथ मैं आपको मिरर के विजुअल्स बता दूं, कुछ स्पेयर पार्ट्स नीचे हैं, आप वो स्पेयर पार्ट्स भी देख सकते हैं। और ये कांच का टूटना आप देखिए पहले विजुअल से कि किस तरह से जो है यहाँ पर कांच टूटा हुआ है। मैं आपको गाड़ी का नंबर दिखाना चाहूंगी, JK02CC4751, JK02CC4751। और ये न्यूज दिखाने का माध्यम सिर्फ इतना है कि ये किसी की भी गाड़ी है, अगर आप उनको जानते हैं, ये आपके परिजन हैं, तो आप जो है उन तक ये मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं। अभी जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, इसमें 2 से 3 लोग होने की संभावना जो है वो बताई गई है। और ये बताया गया है कि गाड़ी का बैलेंस इसीलिए खराब हुआ क्योंकि गाड़ी के आगे जो है वो कुत्ते की जिस तरह से अगर हम बात कहें कि वो आ गया था। तो मैं आपको वो दिखाने का जो है दिखा रही हूँ, और मैं आपको गाड़ी का डैमेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है गाड़ी को डैमेज हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, देखिए अगर मैं आपको वहां से दिखाऊं तो कितनी बुरी तरह से जो है ये गाड़ी जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। और बिल्कुल अगर आप मैं आपको टायर्स के माध्यम से मतलब टायर्स दिखा रही हूँ आपको गाड़ी के, तो आप यहाँ से भी जो है खुद ही सपोज कर सकते हैं कि गाड़ी जो है आप देखिए ये इस रोड से गाड़ी नीचे जाने वाली थी। मैं आपको रोड दिखा दूँ पहले ये कौन सा रोड है, ताकि आप जो है इस वीडियो को देखें और आपको समझ आ जाए कि ये जो है एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। तो वो बहुफोर्ट का पुलिस स्टेशन है, वहां से जो है नीचे की तरफ जो है वो गाड़ी आ रही थी, लेकिन जो है बैलेंस इस तरह से बिगड़ा कि आप देखिए कि बैलेंस इस तरह से बिगड़ा कि ये गाड़ी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपको लग नहीं रहा होगा कि ये गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है। इस डायरेक्शन में यहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी की डायरेक्शन ऐसे लग रहा है कि नीचे से ऊपर जा रही है। वहीं पर 2 से 3 लोग होने की संभावना जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 लोग जो थे वो इस गाड़ी में जो है वो मौजूद थे। और कितनी बुरी तरह से ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर लगी, और बिल्कुल फुटपाथ की बात करें उस पर जो है ये गाड़ी आ चुकी है। और गाड़ी का नंबर है JK02CC4751। तो ये हम आपको लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं, और ये बहुफोर्ट एरिया की हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और गाड़ी की जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कितना भारी डैमेज हुआ है। और ये लोग जो है वो सिटी की तरफ जा रहे थे, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे थे, और तभी ये हादसा जो है वो पेश आया है। अगर गाड़ी के नुकसान की बात करें वो भी जो है वो बहुत हुआ है, लेकिन ये जांच का विषय रहेगा कि आखिर जो है एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में। जिस तरह से हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं जो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से 3 लोग जो थे इस गाड़ी में, और बिल्कुल गाड़ी जोर से जो है हिट हुई है, आवाज भी यहाँ पर लोगों को आई होगी, लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकले होंगे, इसलिए स्थानीय लोगों ने ये बताया कि वो सिटी की तरफ जा रहे थे और 2 से 3 लोग जो थे वो मौजूद थे। और रास्ता आपके सामने है, आखिर ये रास्ता कौन सा है, और जो अभी पोजिशन में ये गाड़ी खड़ी है आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर जा रही है, बट नहीं, ये गाड़ी नीचे आ रही है, ये रोड नीचे आने वाला था। तो वहीं पर आप इस टायर की जो है वो हालत देख सकते हैं, इसकी जो लाइट्स हैं देख सकते हैं कितनी जोर से हिट हुई है, और लाइट्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर टूट के जो है बाहर आई हैं। और हम आपको लगातार सारी तरफ से जो है हम आपको इसके विजुअल्स बता रहे हैं। ये विजुअल्स हैं, हमने आपको यहाँ से बताए। और ये कांच किस कदर यहाँ पे टूटा है, और ऊपर जो रूफ टॉप के साथ जो कांच है वो भी किस तरह से यहाँ पर टूटा, और कितने स्क्रैचेस जो है इस गाड़ी को आए हैं।
पर जिस तरह से अगर हम बताएं आपको कि जो लोग अंदर थे उन्हें जो है जीएमसी यानी जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो रेफर कर दिया गया है और वो वहां पर जा चुके हैं। ऑफिशियली अभी जो है हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक यही खबर आई है, यहाँ पर 2 से 3 लोग थे और संतुलन बिगड़ने की वजह से जो है वो हादसा हुआ है। और हादसा जिस कदर हुआ है, हादसा इसीलिए हुआ है जिस तरह हम बात बताएं, यहाँ से जब गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही थी, कहा जा रहा है कि जो कुत्ते थे वो गाड़ी के आगे आ गए और उसकी वजह से जो है वो संतुलन बिगड़ गया। अक्सर ऐसा होता है जब गाड़ी चलाते हैं उसके आगे कोई जानवर आ जाए तो उनको बचाने के चक्कर में जो है अगर हम ब्रेक की बात करें कि जो इंस्टेंट ब्रेक लगाते हैं उसकी वजह से लगातार आपने देखा होगा कि बहुत से हादसे पेश आते हैं। और किस कदर, चलिए अगर हम आपको बात बताएं, जो यहाँ से 3 लोग थे उनको गवर्नमेंट जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें वहां पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और बिल्कुल जांच का विषय रहेगा अभी कि आखिर ये हादसा सच में जो अगर कुत्तों की वजह से हुआ है कि वो इनकी गाड़ी के आगे आते हैं या कुछ और वजह रहेगी, तो ये जांच का विषय है। तो ये पुलिस जो है इसकी जांच जरूर करेगी क्योंकि बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास जो है ये एक्सीडेंट पेश आया है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिक खान से अल्लाह हाफिज़।